अम्मी, आपको पता है फैजी का घर बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी, और फैजी का कमरा तो देखने से ताल्लुक रखता है। आपको पता है वो अपने घर में बहुत लाड हैं, बहुत चाहती हैं उनकी अम्मी उन्हें। जाहिर है बेटा, सारे माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, औलाद चीज ही ऐसी है। फैजी की अम्मी उनकी हर बात मानती है। अपनी ये सब भी मनवा लेंगे और फिर हम वहीं रहेंगे उनके साथ। अपने शौहर से कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो तुम्हें यहां से ले जाए, फिर वे तुम्हें महल में रखे या झोपड़ी में, उसकी मर्जी। मैं कल ही चले जाऊंगी, वो मुझे जरूर लेने आ जाएंगे। अब मुझे, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, शुक्र अदा करूंगा मैं। जमील को तो लड़का बहुत पसंद आया, कह रहा था बहुत ही काबिल, खूबसूरत और खानदानी है। मैंने कहा अगर सब कुछ अच्छा है तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा के चले जाने के बाद मेरी तो बस यही एक ख्वाहिश है कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। हमारा नवाबशाह वाला घर है तो छोटा, लेकिन उसे बेचकर इतने पैसे तो आ जाएंगे, तुम्हारी शादी आसानी से हो जाएगी, है ना? अम्मा, मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज ये लाइट ऑफ कर दीजिएगा। खा लिया मैंने खाना, अब तो खुश है ना? हाँ खुश हूँ, और इसी तरह कल सुबह हमारे साथ नाश्ता करना, बाबा और वकार खुश हो जाएंगे। ओके। आओगे ना? जी। तुम देखना, बहुत जल्द बाबा और वकार की नाराजगी खत्म हो जाएगी तुमसे। बस तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, दफा करो उसे, ऐसे भी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और फैजी, ये जो बेजोड़ शादियां होती है ना, ये जिंदगी भर का अजाब बन जाती है, तुम्हें इस बात का जल्दी एहसास हो जाएगा। वो कुछ पैसे मांगे थे मैंने आपसे। लाई हूँ, तुम्हारे लिए पैसों की कमी थोड़ी है। और तुम देखना, जब बाबा तुमसे राजी हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा अकाउंट भर देंगे। अताउल्ला, ये आके ट्रॉली हटाना। मुझे खुशी है कि तुमने खाना खा लिया। फैजी, मैं तुम्हें हमेशा खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी को बेवकूफियों की नजर मत करना। आखिर ये जितनी जायदाद है और बिजनेस है, बहुत खुश था फैजी रात को, कह रहा था कि सुबह को सबके साथ नाश्ता करूंगा, और ये भी कह रहा था कि बाबा जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा। बहुत शर्मिंदा है ना मेरा बेटा अपनी बेवकूफी पे, मेरा बच्चा।
बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुन के कि उसको बहुत जल्दी अकल आ गई, पर मैं तो उसकी तरफ से मायूस हो रहा था। ऊपर से सजाद भी उसी की साइड ले आया। मैं समझी नहीं बाबा, क्या कहा देवर जी ने? यही कि फैजी को माफ कर दें, उस लड़की को घर ले आए, उसको बहू बना लें। पता नहीं क्या चाहते हैं देवर जी। बुरा मत मानिएगा बाबा, मगर मेरे फैजी को बिगाड़ने में पूरा पूरा उसका हाथ है। हर गलत काम में उसे शह दी है और ये उसकी पुरानी आदत है। अस्सलाम वालेकुम। नैना, नैना, चलो तुम अपनी बीवी को अब यहां से ले जा सकते हो। ये क्या कर रहे हैं आप बाकर साहब? वो अभी अभी यहाँ आया, उसे बैठने तो दें। मैं नहीं चाहता कि इसका मगरूर खानदान इसे ढूंढता हुआ यहाँ मेरे घर पर आए। पहले ही मैं काफी बेइज्जत हो चुका हूं इन लोगों के हाथों। नैना, उठाओ अपना सामान और जाओ इसके साथ। हम जा रहे हैं बाबू साहब, जा रहे हैं। नैना मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। जाओ नैना, सामान लेके आओ। शुक्र है अल्लाह का कि उस लड़के ने खुद को संभाल लिया। मैं बहुत खुश हूँ। और बस सजाद, अब तुम जल्दी उसके बाहर जाने का बंदोबस्त करो। और हाँ, तुम उन लड़की वालों के साथ बातचीत शुरू करो जो तुमने उसके लिए पसंद की हुई है। जी बाबा, मैं आज ही उन्हें फोन करती हूँ। अब तो तुम मानोगे सजाद कि बच्चों पर सख्ती हमेशा फायदेमंद साबित होती है। और हम तो फिर उनका भला चाहते हैं। बेगम साहिबा, फैजी साहब घर पे नहीं है। हमने अच्छी तरीके से घर पे देख लिया। उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है, मगर उनको बाहर जाते हुए किसने नहीं देखा। नहीं जानते फैजी, मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आओगे। अगर तुम्हारा मुझे फोन नहीं आता ना, मैं वाकई मर जाती रो रो के। ऐसा मत कहो नैना, भूल जाओ सब कुछ। मैं आ गया हूं ना वापस। और तुम होटल में क्यों नहीं रुकी? नहीं, अपने घर क्यों नहीं? अंकल ने कितनी इंसल्ट किया उस वजह से हमारी। अंकल जी बहुत नाराज है मुझसे। और पैसे, मैं अब्बू जी के पास नहीं जाती तो मैं कहां जाती? मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। अच्छा ठीक है, ओके, अब घबराने की कोई बात नहीं। बहुत पैसे मेरे पास, अपन दोनों को कोई अलग नहीं करना। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये किसकी गाड़ी है? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये बाबर की गाड़ी है। कौन बाबर? बाबर मेरा कजिन जो उस दिन बर्थडे पार्टी पे भी आया था, उसकी गाड़ी। कौन कौन है उसके घर? कोई भी नहीं है। उसके पेरेंट्स हैं, वो यूके शिफ्ट हो चुके हैं, वो अकेला ही रहता है घर पर। हम वहीं जा रहे हैं सर, जस्ट रिलैक्स। फैजी कल रात ही यहाँ से चला गया था, मैंने कंफर्म कर लिया। सामने वाले गार्ड ने उसे जाते हुए देखा था, जरूर उसकी मदद की है किसी ने। हो सकता है हमारे किसी गार्ड ने पैसे लिए। देवर जी, ये काम तुम भी तो कर सकते हो। कहीं तुमने तो उसकी मदद नहीं की यहां से भगाने में? सच बोलो। मैं ऐसा क्यों करूंगा भाभी? और इस बात का मतलब क्या है? बहुत हमदर्दी हो रही थी ना तुम्हें फैजी से। पूरे घर में एक तुम ही थे उसे सपोर्ट करने वाले। यकीनन
तुम ही ने उसको भगाया यहाँ से। बकवास मत करो बिल्किस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पूछे ना तेवर जी से, क्या इसने अपना मोबाइल फोन फैजी को नहीं दिया था उस लड़की से कांटेक्ट करने के लिए? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब चुप क्यों खड़े हो, बोलो ना। क्या कह रही है बिल्किस, जवाब दो सजाद। तुमने फैजी को फोन दिया था, हाँ या ना? थक गई हो बेटा? आज काम भी तो बहुत किया ना मेरी बेटी ने। नहीं अम्मा, घर के कामों से मैं नहीं थकती, बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया, कोई बात है बेटा? तो फिर आज इतनी उदास क्यों हो? सुबह से खामोश हो तुम। अम्मा इतनी जल्दी क्या है? अभी ये सब कुछ जरूरी तो नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सानिया? अभी तुम कुछ दिन पहले तक तो कुछ और कह रही थी बेटा। इधर देखो मेरी तरफ, क्या तुम खुश नहीं हो बेटा? मैं आपकी खुशी में खुश हूं। ठीक है रो बेटा, खुश रहो, ये तो दुआ है, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी करे। हमारे फैजी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते बाबा। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। उससे कोई चलो नहीं है हमारा। बाबा आओ, आ जाओ आ जाओ। ये है हमारा कमरा, कैसा लगा? अच्छा है। अब आज से कुछ अर्से तक हम लोग यहीं रहने वाले हैं। अच्छा है ना? थैंक्स टू बाबर। हाँ हाँ, आजो आजो, अंदर आजो, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था भाई। मैं तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आया था, तो आजो खाना खाते हैं। हाँ आ जाते हैं, बट बाबर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आई मीन ऐसी पोजीशन पे जब हमें हमारे घर वालों की जरूरत थी, तुमने हमारा साथ दिया। रियली ग्रेटफुल टू यू। गैरों जैसी बातें करोगे तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। नैना तुम ही समझाओ इसको। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें भाभी भाभी नहीं बोलने वाला, मतलब आई मीन ये मैं इसे कितना बड़ा हूँ, और तू देख यार मैं इसे भाभी बोलता हुआ अच्छा लगूंगा। हाँ ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे वो बोल लेना। तुम चलो फिर, हम लोग आते हैं फ्रेश होके। हाँ आज आई एम वेटिंग। थैंक यू। वेलकम सानिया। सानिया जी। ओहो, तैयार हो गई तुम? चलो वैसा करो कि अपनी अम्मी को लेकर घर से कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेहमानों की मौजूदगी में तुम लोग घर में मौजूद रहो। समझ रही हो ना तुम मेरी बात में क्या कह रही हूँ? चलो अब देर मत करो, ये लो आपा की चादर और इन्हें अपने साथ ले जाओ। क्यों मामानी जान, मैं कहाँ जाऊंगी, किस तरह, मेरा मतलब अकेले? क्यों, खुद तो सारा दिन घर से बाहर घूमती फिरती हो, आज अपनी अम्मी को भी अपने साथ लेकर जाओ, जरा उन्हें भी शहर की सैर करा दो, बेचारी सारा दिन घर में अकेली बैठी रहती है। समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? जाओ और अपने मामू के घर में आने से पहले यहां से चली जाओ, और देर लगा के आना। आपा आपा
आप जरा बात तो सुनिए। आपा ये सानिया पता नहीं क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही सुन लीजिए। क्या बात है बेटा? आप यकीन करें बाबा, मुझे फैजी के जाने के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसे फोन जरूर दिया था, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बहुत परेशान था वो। अब वो सारी उम्र इतना ही परेशान रहेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। वो लड़की उसकी जिंदगी में बर्बादी का सबब बनकर आई है, अजाब में डाल दिया उसने फैजी की जिंदगी। ऐसा ही होता है इस तरह के रिश्तों में। अब कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। बहुत होगी सानिया, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि तुम बाहर ले आई हो मुझे? हम सड़कों पर फिर रहे हैं क्यों? चलो घर चलो अब। अम्मा वो मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अरे गजब खुदा का, घर पर मेहमान आ चुके होंगे, जमील क्या सोचता होगा कि उसकी बेइज्जती करवा दी। बस मैं कुछ नहीं सुनने वाली, रिक्शा लो और चलो घर। अम्मा हम अभी घर नहीं जा सकते ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम्हारा मतलब नहीं समझी, क्यों नहीं जा सकते घर? सामने पार्क है, वहां चल कर बैठते हैं आराम से, आपको मतलब भी समझा दूंगी। चले चले ना। अरे आप क्या दरवाजे पे खड़े हुए, घर में अंदर मेहमान बैठे, चले उनके पास चल के बैठे। पता नहीं आपा और सानिया बगैर बताए कहाँ चली गई। दोनों को मालूम भी था कि ये लोग रिश्ते के सिलसिले में आने वाले हैं, फिर भी मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे बता के थोड़ी गई हैं। वो तो मैंने उन्हें जाते हुए सिर्फ एक झलक सी देखी थी, मैं उनके पीछे भी लपकी, आवाजें दी, पूछा कि आपा सानिया कहाँ जा रही हैं, आप लोग बता के तो जाएं। लेकिन उन्होंने तो मुझे पलट के कोई जवाब ही नहीं दिया, बस मोहल्ले के बच्चे से रक्षा मंगवा लिया था और उसमें बैठ कर चल दी। लुबना के अब्बा मुझे ऐसा लगता है कि सानिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। अम्मी मैंने चाय भी बना ली और नाश्ता भी तैयार है, अब क्या करूँ? अरे मेरी जान, बहुत अच्छा किया, चलो चल के चाय निकालो, सारा दिन काम करके थक जाती है मेरी बच्ची। कितनी बदखलाकी लगती है ना कि मेहमान घर में आए हो और चाय पानी का भी ना पूछा जाए। जाओ तुम चाय निकालो, अब चले ना मेहमानों के पास चल के बैठे, आए ना आ जाएंगे। आपा सानिया कोई बच्ची थोड़ी है कि गुम हो जाएंगे। आ जाए मेरे बेटे, कहाँ चले गए हो तुम? मुड़ के अपनी माँ की खबर तो ले लो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे घर पर न होने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। वो लोग मेरे बुलाने पर आए थे, मेहमान थे, सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। जरीना ने कितना एहतमाम किया था, हालांकि मुझे उससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरी इज्जत का ख्याल रखा और कोई कमी नहीं छोड़ी उन लोगों की खातिर तवाज़ो में। और तुम, और आप भी इसकी बातों में आ गई थी। अगर आपको या इसको उस रिश्ते पर कोई एतराज था तो मुझे पहले ही बता दिया होता, मैं उन लोगों को मना कर देती। आपने तो हद कर दी, घर से ही चली गई और वो भी बगैर बताए।
ना मुझे, गलती मेरी है, अम्मा का कोई कसूर नहीं, अम्मा को मैंने ही मजबूर किया था पैसा जाने के लिए, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो क्या ये रिश्ता तुम्हें पसंद है? मुझे ये रिश्ता पसंद है। जमील, जमील, ये क्या किया तुमने? क्यों असल हकीकत नहीं बताई? ये बच्ची, ये अल्लाह, किसी को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है, मेरा दिल डूबा चला जा रहा है, कोई तो मेरी पैसे की खबर ले, उसकी मां मर जाएगी उसके बगैर। वो अपनी मर्जी से गया बिल्किस, हमने उसे एक मौका दिया, उसकी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज किया, मगर उसे एहसास ही नहीं है, उसने हमें उस घर को ठुकरा दिया। अब बात साफ हो चुकी। बाबा, बाबा एक बार उसको वापस बुला ले, मैं उसके कमरे के बाहर ताला डाल दूंगी, खुद उसकी निगरानी करूंगी, मैं वादा करती हूँ, एक बार बुला ले। घर की रिवायत को भूल रही हो, नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। फैजी ने बेटर की बेटी को अपनी बीवी बनाकर हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा उससे, कोई समझ के बाबा इतनी सख्ती से फैसला मत ले। वकार खामोश क्यों? बताओ ना बाबा को, वो तज़ल्लुम ना करे हमारे साथ, हमारे पैसे के साथ, हम ऐसा नहीं कर सकते बाबा, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी, उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। बाबा, बाबा सज्जाद, सज्जाद तुम पानी लेके आओ, क्या करे बाबा, बाबा सज्जाद, वाह भाई क्या नाश्ता बनाया। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई बोलने का तकल्लुफ कुछ ज्यादा नहीं है, आई मीन तुम मुझे मेरे नाम से भी मुखातिब कर सकती हो। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, नाम के साथ रिश्ता जोड़ने से रिश्ते की भी वैल्यू बढ़ती है और नाम वाले की भी। लो, मैं कर देता हूँ। नहीं मैं कर दूंगी। अरे छोड़ो मेरा हाथ, मैं कर लूंगी। नैना, अरे नाश्ता भी तैयार है, जबरदस्त यार, तुम्हारी बीवी मानती ही नहीं है। क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, नई नवेली दुल्हन है, अच्छा लगेगा ये काम करे, आखिर हमारा फर्ज है कि हम इसकी खिदमत करें यार। देख लो नैना, कोई तो है हमारे खानदान में जो तुम्हारा और मेरा इतना ख्याल रखता है। थैंक यू बाबा भाई, चलो फैजे जल्दी से बैठो, अब नाश्ता करो, हम वैसे कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अरे वाह नैना, नाश्ता तो बड़ा ही जबरदस्त बनाया आपने, थैंक यू। अब तुम लोग कॉलेज जाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही कॉलेज की इतनी छुट्टियां हो गई हैं, पढ़ाई का इतना लॉस हो गया, कॉलेज जाना तो जरूरी है। अरे क्या हाल है भाई, कैसे हो? जबरदस्त। बिल्कुल ठीक यार। और क्या सीख रहे यार? एक सेकेंड तुम चलो क्लास में, आता हूँ। सुन भाई, मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं, जितना भी मेरा असाइनमेंट मिस हुआ है ना वो सब तुमने मुझे देना। हाँ मुझे ले लेना। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक है, तुम सुनाओ, बहुत दिन से कॉलेज नहीं आ रही हो, खैरियत तो? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस छुट्टियाँ थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन तुम लोग अब मेरा थोड़ा सा साथ दे देना, दोस्ती निभा लेना और मेरा काम कम्प्लीट करवा देना। बुरा मत मानना नैना, एक बात सुनी है तुम्हारे बारे में, इनफैक्ट मैं क्या, पूरा कॉलेज ही ये बात कर रहा है, तुमने शादी कर ली अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ, अजीब सी बात है। खैर इसमें अजीब सी क्या बात है, क्या लोगों की शादियां नहीं होती? बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने और फैजी ने जरा जल्दी शादी कर ली,
तो इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अरे अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी तो फैजान के घर वालों ने शादी में शिरकत नहीं की। बेचारा तुम्हारी वजह से घर से बेघर हो गया। तौबा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हम यहाँ पढ़ने आते हैं, लड़के फंसाने नहीं आते। आइंदा हमसे बात मत करना, चलो। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। मेरी मानो तो खुदगर्ज हो जाओ, फायदे में रहोगी तुम। कैसा फायदा? फरद ने तो लगता है सारा बोझ ही तुम पर डाल दिया। खुद तो जैसे उसे इस घर से कोई सरोकार ही नहीं। सानिया तुम ज्यादा काम ना किया करो, ये मैं तुमसे कह रहा हूं। ये उम्र तुम्हारी इतनी जिम्मेदारियां उठाने की नहीं है, इंजॉय करने की। ये मेरा काम है वहीद साहब, और फरद जी ने मुझे इस घर की जिम्मेदारियां उठाने हैं और इस घर का ख्याल रखने के लिए रखा। और ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से करती हूँ। एक तो तुम बहुत ही सादा दिल, ये दुनिया तुम जैसे लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। मेरी मानो तो खुदगर्ज हो जाओ, फायदे में रहोगी तुम। कैसा फायदा? देखो मेरा कहने का मतलब है कि सानिया बाजी, आपको मैडम बुला रही है, शायद कुछ मेहमान आने वाले। एक तो औरत है ना, इसकी पहरेदारियां खत्म नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं वकार भाई? कोई खतरे की बात तो नहीं है? प्लीज प्लीज मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं। अच्छा 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 मैं अभी आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। क्या हुआ फरज जी, सब कुछ ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो बाबा बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। मुझे फौरन वहां जाना है। सानिया ऐसा करो कि ड्राइवर से कहो कि गाड़ी फौरन निकाले और मैं अभी आती हूँ, और तुम मेरे साथ चलो। जी सज्जाद साहब, बाबा कैसे हैं आप? ठीक तो हो जाएंगे ना? वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया था उनका, और इस उम्र में चीजें खतरनाक हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है, आप देख सकती हैं। नहीं देख लिया मैंने, अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। आमीन। सज्जाद तुम ऐसा करो प्लीज, सानिया को घर छोड़ दो। और तुम? मैं अभी बाबा के पास रहना चाहती हूँ प्लीज। ठीक है चले। आप बहुत नरम दिल हैं सानिया, आज बाबा के लिए आपको परेशान देखकर ऐसा लगा कि आपको उनसे बहुत करीबी रिश्ता है, हालांकि आप तो उन्हें जानती भी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। मेरा मतलब है कि आपके और फरद जी के हवाले से वो मेरे लिए अच्छे भी तो नहीं है ना? लीजिए आपका घर आ गया। बहुत शुक्रिया। कुछ रस्मी बातें करना जरूरी नहीं होती, खास तौर पर उन लोगों से जो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत अच्छे इंसान है, हर एक का दिल रखना जानते हैं आप। ये तो खासी खतरनाक खूबी बताई आपने मेरी, दिल रखने वाली। लोगों को तो होशियार रहना चाहिए मुझसे। खुदा हाफिज। अम्मी और मामू को सलाम कहिएगा, बाबा की तबीयत जरा बेहतर हो जाए तो मैं चक्कर लगाऊंगा।
देख लिया ना आपने अपनी आंखों से, समझ में तो आ गया होगा कि आखिर आपकी भांजी चाहती क्या है। रोजाना देर से घर आती है और रोज एक नया बहाना साथ में लाती है। आ रही है ना, सुन लीजिएगा आज कौन सा बहाना है। बस कर दो जरीना, जो मुंह में आता है बोले जाती हो। सच तो कड़वा ही लगता है ना। अरे चाय लाई थी आपके लिए, खुद ही पियो। सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। वो पारा जी के अब्बा की ना तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है, मैं भी अभी वहीं से आ रही हूँ। सज्जाद साहब छोड़ कर गए हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। जल्दी घर आया करो सानिया, देर से आना मुनासिब नहीं लगता। ठीक है सज्जाद साहब अच्छे इंसान हैं, ये बात हम जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। कोई तुम्हें उनके साथ देखेगा तो क्या सोचेगा। ख्याल रखा करो। जमील उस दिन वाली बात पर अब तक नाराज है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा हम किसी की भी किसी बात का बुरा मनाने की पोजीशन में नहीं। जिसके दिल में जो आता है वो कह सकता है। मुझे लगता है सरीना ने कान भरे होंगे, वरना वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मा आप मामू से कुछ नहीं कहें, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, ना ही मैं मामू जान को शर्मिंदा देखना चाहती। आपको पता है जब भी मैं फरज जी के बाबा को देखती हूँ ना, तो मुझे अपने बाबा याद आ जाते। खुदा करे कि वो जल्द ठीक हो जाए। बेटा तुम दुआ कर लो, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगी। फरज जी ने कल मुझे छुट्टी दी, लेकिन अम्मा मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कल भी उनके बाबा से मिलने जरूर जाऊंगी और देर से वापस आऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत ही हसास है, बिल्कुल अपने बाप पर गई। रात से दोनों भाई हॉस्पिटल गए हुए। भाई अब कौन कहे कि बाबा ज़ईफ़ है, इस उम्र में तो ये बीमारियाँ होना कोई नई बात नहीं है, मगर यहाँ तो सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे फैजी के सर आ रहा है। वकार ने तो ये साफ साफ कह दिया कि बाबा की तबीयत सिर्फ इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि फैजी चला गया, वो ज़िम्मेदार है। सिर्फ दोनों भाइयों को बाबा की फिक्र रहती है, मेरे बेटे की तो किसी को परवाह ही नहीं है। बाबा ही दोनों भाइयों की पूरी दुनिया है, बाकी उनकी तरफ से कुछ जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप इतनी सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए हैं, आज रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, शायद रुकना पड़े। बहुत फिक्रमंद हूँ मैं उनके लिए, सारी रात दुआएं की हैं, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। ये आप बाबा को मेरी तरफ से दे दीजिएगा। ये आप खुद दे देंगी तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कैसे दे सकती हूँ सज्जाद साहब, बस आपसे उनकी खैरियत की मालूमात मिल गई ये काफी है मेरे लिए। आप मेरे साथ चलें और खुद ही दे दीजिएगा, चलें वो खुश होंगे। ये वाले ले जाए वापस। सुनो वो सानिया नहीं आई अभी तक? नहीं सर वो तो नहीं आई। क्यों सानिया से क्या काम है? मुझे क्या काम होना है वैसे ही पूछ रहा था मैं। नहीं और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सानिया को मैंने तुम्हारे कामों के लिए नहीं रखा, पर ये बात मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है। वो मैं बाबा की तरफ जा रहा हूँ, चलना है तुमने? तो तुम्हें खबर मिल गई उनकी बीमारी की? खानदान भर के कई लोग सुबह से मुझे फोन करके खैरियत दरियाफ्त कर चुके हैं, दामाद हूँ आखिर मैं उनका, उनके हवाले से भला कोई खबर मुझसे कैसे छुप सकती है। तो तुम नहीं जा रही हो, तुम्हारी मर्जी,
मैं तो बाबा साहब के लिए बहुत परेशान हूं, कैसे रुक सकता हूं भला। अस्सलाम वालेकुम बाबा। देखें कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। कौन? याद नहीं यार। मैं सानिया फरज जी की केयरटेकर का। याद है, फरज कहाँ है? फरज जी बस आती होंगी, मैं डायरेक्ट अपने घर से आ रही हूँ अभी। ये फूल आपके लिए। जी तेरा, बहुत प्यारे फूल। बाबा, सानिया आपके लिए बहुत फिक्रमंद थी, कल भी आई थी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। शुक्रिया तुम्हारा। प्लीज ऐसे तो मत कहें आप, आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बैठो सानिया। अरे नहीं अब, मैं अभी चलती हूँ, आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बातें करने से मना किया है ना। मैं फिर आऊँगी। खुदा हाफिज। ना जल्दी हो सजा सा। मैं छोड़ आता हूँ आपको। बाबा मैं अभी आ रही हूँ। फरज जी ने आज मुझे छुट्टी दी है। हाँ वो आज हॉस्पिटल में ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रही है बाबा के साथ। अजीब सी बात है, ज़्यादातर उसकी नाराज़गी रहती है उनसे, लेकिन अब देख लें सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है। बेटी है ना, आप नहीं जानते बेटियाँ अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं सजाद साहब, मैं चली जाऊँगी। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये सानिया ही थी? हाँ, बाबा को देखने आई थी। बाबा साहब को? कैसे हैं बाबा साहब? बेहतर हैं, आए देख लें आप। हाँ फुप्पा, कब से बेल बजी आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सुन रही है लेकिन ये नहीं कि दरवाजा खोल दे, घर में तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। ओह ये लीजिए, आपकी बेटी मोहतरमा आ गई है।